अभी मैं आपको वहां लेके जाऊंगी जहां से सल्तनत उस्मानी की कहानी शुरू हुई। स्वीट अर्थुरू गाजी की सरजमीन, उस्मान गाजी के वालिद। तो आए देखते हैं इस खूबसूरत इलाका और तरीक को। स्वीट जाने के लिए दो तरीका होती है, या बस या अपनी गरी। मैं आपको मशवरा देती हूँ अपनी गरी से चले जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। हम पहुँच गया सुगुत पे विलेज में। अभी मेरे पीछे है अथरुल गाजी का थंप। आप लोगों ने इतना ज़्यादा पूछ ली थी तुर्कियान हमको अथरुल गाजी का थंप दिखाए, एंड फाइनली मैं इधर आ गया, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। अभी हमने अंदर जानी है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अंदर जाने से पहले इतना ज़्यादा टूरिज्म से लोग आ गए ना, मैं हैरान हो गया, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं थी। अभी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अभी मैं भी जाके पहली दफ़ा आप लोगों के साथ अंदर देखूँगी और हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ ओटोमन एम्पायर। अच्छा, अभी हम अंदर जाने से पहले इधर मुझे इतना ज़्यादा पिक्चर्स नज़र आया, मैं दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने इधर टूरिज्म ही स्टार्ट कर दिया। अथरुल गाजी की कपड़े और हलमे सुल्तान के कपड़े पहन के पिक्चर, एंड इब्राहिम यही काम करती है। इब्राहिम दा जो हम जिल्खेदान के लिए पाकिस्तान वे मलेशिया, पाकिस्तान वे मलेशिया हिच हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान चौक नादिर, चौक नादिर आशा है हमने पजार अपना हमने पजार अपेशी। एक्चुअली वो कह रहे कि इससे पहले इतना ज़्यादा लोग इधर नहीं आती थी, जब यही मूवीज़ भी वो पाकिस्तान में इंडिया में आना स्टार्ट किया, इसके बाद बहुत ज़्यादा लोग आना स्टार्ट कर दिया। Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini hukukası olarak devre ediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini hukukası olarak devre ediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini hukukası olarak devre ediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini hukukası olarak devre ediyorum. Yürü bak. Sağa, sola, dön. Şadım ileri, marş. Yerlerinize, marş. अभी अभी हमने पहले एंटर किया इधर अथरुल गाजी का बीवी हलीमा हातून, उसका कब्र है, द मदर ऑफ सफजी उस्मान एंड गुंदुज बे। अभी हम इधर चले जाएंगे थोड़ी सी और अंदर। इधर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स आती है ना, बहुत ज़्यादा रश है। इधर पहले एक लाइक सेरेमनी हो गया, चेंजिंग सेरेमनी हो गया। इधर है हमारी उस्मान गाजी का मज़ार, द सन ऑफ अथरुल गाजी, द फाउंडर ऑफ द ओटोमन एम्पायर। उस्मान गाजी का पहले कब्र इधर ही था। उस्मान गाजी की डेथ होने से पहले वो उसका सान और हंग गाजी को कहती है, अगर आपने बुर्सा शहर का फतेह करनी है तो मेरी कब्र आपने इधर ही से बुर्सा में लेके जाना है। जब और हंग गाजी बुर्सा फतेह करती है तो उस्मान गाजी का कब्र इन्होंने इधर से लेके बुर्सा में लेके जाती है। अभी अंदर चला। अथरुल गाजी का थंब, इधर लोग आती हैं उसके लिए दुआ पढ़ के चले जाती हैं। इसके नीचे भी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, एग्जैक्टली मेज़र के नीचे इधर डिफरेंट कंट्री का सेंट उन्होंने लेके आए हैं। इराक है, कुवैत है, कोसोवो है, यूक्रेन है, लाइक सऊदी अरबिया है, उज़्बेकिस्तान है। मैंने सोचा था पाकिस्तान और इंडिया का भी एक होगा। इधर लोग उसके लिए दुआ करके चले जाती है। पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कब्र है, मैंने आपको वही भी दिखानी है। इधर है मज़ार की कब्रिस्तान की दरवाज़ा, आपको इधर गोली का निशान मिलेगा। 1921 में ग्रीस ने सुगुत को कब्ज़ा करने का कोशिश करती थी,
इसलिए ये भी उनका वो गली का निशान ही इन्होंने इधर ही कर लिया है, उन्होंने एज ए हिस्ट्री इसको अभी तक इधर ही रखा है। मुझे क्या मिला, ये खई का घर मिला। इसका एक है 150 तुर्किश लीरा का है। ओथमन एम्पायर से भी पहले वो उनकी घर ऐसे ही था, इसलिए आसान था वो ख़राब करके कैरी करके फिर दोबारा जगह पे जाके उधर दोबारा वो घर बना। सगुट में एक्टरल थम के अलावा भी देखने की बहुत चीज़ें हैं। ये मेरे पीछे है हमीदिया मस्जिद, बहुत मशहूर और बहुत पुरानी एक मस्जिद है। इधर आके ज़रूर ये मस्जिद पे विज़िट कर लें। मैं थोड़ी सी आपका हिस्ट्री बताऊँ, मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताती हूँ। सेकंड अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब किसी ने उसको मारने का कोशिश करती है, उसका आर्मी उसको बचा देती है। फिर वो उसकी आर्मी को कहती है आप कहाँ से, वो कह रहे मैं विलेजिक स्वीट से हूँ। बाद में सेकंड अब्दुल हमीद ने इधर ही आके उसकी नाम पे यही हमीदिया मस्जिद बना रही है। इस मस्जिद की एक और स्पेशलिटी है इसकी मीटर स्क्वायर, यही कौन से स्टोन्स इधर यूज़ होती है। मक्का में भी एक मस्जिद है, उसमें भी सेम डिज़ाइन, सेम मीटर स्क्वायर एंड सेम स्टोन्स यूज़ हो गया है। अगर इधर आना है ज़रूर ये मस्जिद भी विज़िट करना। हम आ गया एटुरुल मस्जिद, इसका दूसरा नाम है कुवा मस्जिद, कुवा, क्योंकि इसके अंदर अभी आप लोगों ने भी देखना है बहुत डीपली एक कुआ है। ये है ओथमन एम्पायर की पहले कंस्ट्रक्शन, जब एटुरुल गाजी ने आपका उसकी वो लॉग्स बिलिजिक में लेके आती हैं, पहले यही मस्जिद बना रही है। इसलिए इधर भी लिखा होता है 1281 से पहले ही मस्जिद है, और ओथमन एम्पायर की पहले ही कंस्ट्रक्शन, पहले ही मस्जिद है। 1921 में जब ग्रीस ने तुर्की कब्जा करने का कोशिश किया, इस टाइम ग्रीस ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है, उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी किया है, लेकिन अंदर वाकई बहुत बड़ा हिस्ट्री है। एटुरुल की मज़ार की बस 200 मीटर के आगे इधर सगुट का हंद बाज़ार है। इन्होंने इसी बाज़ार के अंदर ज़्यादातर सेम मूवीज़ में क्या चलते, कपड़ा होगा उनका, तलवार होगा उनका, कैप होगा, यही चीज़ें सेल होती है। इतना बड़ा बाज़ार नहीं है, बट अभी हम जाके बाज़ार के अंदर देखेंगे। इन्होंने इधर सगुट के अंदर एक हंद बाज़ार बनाया है। इधर मुझे एक शॉप नज़र आया, आप लोग इधर आके उनके कपड़े पहन के पिक्चर खींच सकती है। इधर वुमेंस के लिए भी बहुत कपड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। ये भी उसका कैप उधर ही है, और बच्चे और फैमिली आके इधर पिक्चर खींच सकती है। उन्होंने इतना अच्छा स्टेप बनाया है कि पिक्चर्स वगैरह इधर शूट होती है। इन्होंने एग्जैक्टली शूट के लिए इधर बनाया है। इधर मेरी वीडियो ख़त्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, बिकॉज द सून वी आर कमिंग टू पाकिस्तान। ऑल अनाउंसमेंट मैंने इंस्टाग्राम में करनी है, मैं सबको इंस्टाग्राम में भी वेट करती हूँ।